भाव था उसको दूर किया, और जानते हैं इसका नतीजा क्या मिला है? मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जवाब देंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे, वहां के दूर दूर के लोग भी देंगे। आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना? 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 जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हुई है। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशकों दशक से
देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए, ये इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं, मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है, मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। बीते 9 वर्षों में जिस तरह भारत की महिला सशक्त हुई है, उसे देखकर इन दलों की हिम्मत नहीं हुई कि नारी शक्ति अधिनियम का विरोध कर पाए, वरना उन्होंने तो दशकों तक देश में सरकारें चलाई है, भारी बहुमत से सरकारें चलाई है, तब क्यों नहीं कानून बनाया। जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया। सच्चाई ये है कि इनकी नीयत में खोट है। इसलिए मौका मिलते ही मेरी माताएं बहनें, मेरे शब्द याद रखना, मौका मिलते ही एक गमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देने का तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के गमंडिया साथी वही है जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा तोड़ी है। इनकी वो सोच आज भी नहीं बदली है। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, ये अब एक नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। और नया क्या खेल खेलेंगे, ये नारी शक्ति को
बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक न हो इसलिए भांति भांति की अफवाहें फैलाएंगे। इसलिए देश की हर माता बहन बेटी को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा और एकजुट रहना ही होगा। माताएं बहनें एकजुट रहोगे ना, एकजुट रहोगे ना, आप याद रखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने से रोकने का भरसक प्रयास किया। ये लोग बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की सेनाओं के अग्रिम मोर्चों में बेटियों की एंट्री को रोककर रखा था। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो वो क्या मोदी को करोड़ों बहनों के नाम पक्के घर करने देते और मुझे काम करना पड़ता? उनकी नीयत ठीक नहीं थी। आज वो काम मुझे करना पड़ रहा है, आजादी के इतने सालों के बाद करना पड़ रहा है। इनको नहीं दिखता था कि सब कुछ पुरुष के नाम पर है, महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं है। अगर इनकी नीयत महिला हित की होती तो क्या मोदी को आकर के करोड़ों टॉयलेट बनाने पड़ते? क्या टॉयलेट नहीं बना सकते थे लोग? वो काम भी मुझे करना पड़ा, उनकी नीयत में खोट थी। अंधेरे का इंतजार करती माताओं बहनों को देखकर इनकी आंखों में क्यों पानी नहीं आता था? इनकी नीयत ठीक होती तो बहनों को धुएं में जीने को मजबूर होना न पड़ता। करोड़ों बहनों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की मेहनत मोदी को क्यों करनी पड़ी? ये महिलाओं के हितैषी होते तो महिलाओं को पानी की बूंद बूंद के लिए दशकों तक तरसा कर ना रखते। साथियों, ये महिलाओं के हित में काम करते तो मोदी को आकर आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की व्यवस्था ना करनी पड़ती। ये अगर महिला हितैषी होते तो हमें बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ाने के लिए आवाज ना उठानी पड़ती। इन्होंने तो महिलाओं को बैंकों से भी दूर रखा। देश की करोड़ों बहनों के जनधन खाते आपके इस सेवक को खुलवाने पड़े। हमारी कोशिश यही थी कि बहनों की समृद्धि का रास्ता खुले, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसलिए मैं देश के हर माता बहन बेटी से कहूंगा कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपको भ्रमित नहीं होना है। हमने कठिन रास्ता पार किया है। ये महिलाओं की भागीदारी के विस्तार की शुरुआत है, एक सार्थक बदलाव का शुभारंभ है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती
पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया, देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर हमें बूथ बूथ में हर वोटर को बताना है, हर मतदाता को समझाना है। समझाओगे? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, समझाओगे? पोलिंग बूथ में हर घर जाओगे? हर किसी को बताओगे? एक एक बात बताओगे? साथियों, मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नियत और इच्छा शक्ति नहीं थी। बेईमानी और भ्रष्टाचार की नियत अच्छे काम करने से उन्हें रोकती थी। पहले समाज के जिन वर्गों को छोटा समझा गया, उनके जीवन में बड़े परिवर्तन का प्रयास हमने किया। गरीब से गरीब को गुणवत्ता का जीवन मिले, आज देश में इसके लिए काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू हुई। देश भर में हमारे विश्वकर्मा साथी कोने कोने में फैले हैं। कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई विश्वकर्मा परिवार न रहता हो। अपनी परंपरा, अपनी कला, अपनी उपयोगिता के लिए जाने जाने वाले ये साथी हर समाज में है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्या दिया? कांग्रेस ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। आपने एक वोट देकर इस सेवक को आपकी सेवा करने का अवसर दिया। आज हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुनार भाई बहन, सुतार भाई बहन, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, दर्जी, ऐसे दर्जनों साथियों के लिए राष्ट्रीय विश्वकर्मा योजना बनी। इनकी ट्रेनिंग का इंतजाम हुआ है, लाखों रुपए के लोन की व्यवस्था हुई है और विश्वकर्मा साथियों के लिए जो ये कम ब्याज का लोन मिलेगा उसकी गारंटी मोदी ने ली है, सरकार ने ली है। साथियों, हमने रेहड़ी पटरी ठेले पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के लिए भी बैंकों के दरवाजे खोले हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इनकी मदद की गारंटी भी मोदी ने ली है। गांव में, कस्बों में हमारे साथी अपनी दुकान, ढाबा,
गेस्ट हाउस ऐसे व्यवसाय कर सके, ये पहले बहुत मुश्किल था। उनके पास गारंटी नहीं होती थी, इसलिए बैंक से उन्हें मदद मिलना मुश्किल था। मोदी ने ऐसे साथियों की गारंटी भी ली। मुद्रा योजना के तहत लाखों का बिना गारंटी का पैसा उन्हें मिल रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, हमारे पिछड़े परिवार हैं, हमारे आदिवासी साथी हैं, हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की तो सरकारी नीतियों में पूछी बहुत कम होती थी। कांग्रेस की सरकारें वोट पाने के लिए किसानों को लोन माफी की झूठी गारंटी देती रही है, लेकिन छोटे किसानों, पशुपालकों के लिए तो बैंक से लोन लेना असंभव था। वे तो छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाजार से महंगा ब्याज लेते थे, महंगे ब्याज पर पैसे लेते थे। इसलिए आपके इस सेवक ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों की भी गारंटी ली। जब पीएम किसान योजना हमने शुरू की थी, तब कांग्रेस ने इसको लेकर कितना झूठ फैलाया था। कहा जाता था कि चुनाव होने के बाद मोदी ये पैसे वापस ले लेगा, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 5 साल से निरंतर चल रही है। कोरोना काल में जब सब कुछ रुक गया था, तब भी ये नहीं रुकी, क्योंकि हमारी सरकार ने डायरेक्ट आपके खाते में पैसा भेजने का प्रावधान किया है। अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक देश भर के किसानों के मिल चुका है। इसमें मध्य प्रदेश के हर किसान के बैंक खाते में करीब करीब 30,000 रुपए, हर एक किसान के खाते में 30,000 रुपए तक पहुंचे हैं। भाजपा सरकार ने छोटे किसानों के साथ ही पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा दी है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते हैं। देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, आज मैं देश के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है, और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। मेरे परिवारजनों, आज भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड में प्रवेश कर चुका है। पूरा विश्व कह रहा है
कि ये भारत का कालखंड है। हर देश भारत से मित्रता करना चाहता है, हर निवेशक भारत में अवसर देख रहा है। हमारे चंद्रयान का गौरवगान पूरा विश्व कर रहा है। कुछ दिन पहले हुए G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका और सशक्त हुई है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार चुनी। आपने ऐसी सरकार चुनी जो चुनौतियों को चुनौती दे सकती है। हजार वर्ष की गुलामी के कालखंड में हमने जो आत्मविश्वास खोया, आज भारत उस आत्मविश्वास को पुनः जी रहा है। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले हजार साल के हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा विकसित मध्य प्रदेश जहां हर व्यक्ति हर परिवार का जीवन वैसा ही हो जैसा विकसित देशों में हमने देखा है। हमें ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना है जो छोटी छोटी जरूरतों का मोहताज ना रहे। हमें मध्य प्रदेश को नए अवसरों की धरती बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहां फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है, हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं एक और आग्रह भी करना चाहूंगा। आने वाले 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा मध्य प्रदेश के हर परिजन से आग्रह रहेगा कि आप सभी उत्साह और उमंग के साथ इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़िए। अब आप सभी त्योहारों की भी तैयारी कर रहे हैं। हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। हमें खादी के वस्त्र खरीदने हैं। जो भी गिफ्ट हम खरीदें वो लोकल हो, जो भारत में बना हो, ये बात हमें कभी भी भूलनी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।